हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिए होंगे, प्रैक्टिस भी करना चालू कर दिए होंगे, है ना। अगर किसी भी तरीके से कोई भी डाउट रहता है आप लोग को गणित में या इंग्लिश ग्रामर में, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। पहले ही वीडियो में बताएंगे ताकि मैं अगले वीडियो में उसका आंसर आप लोग को बता पाऊँ, उस चीज़ को आप लोग को समझा पाऊँ और आप लोग एक बेटर वे में तैयारी कर पाए, ठीक है। तो चलो, इस क्लास में हम लोग देखेंगे माध्यिका ज्ञात करना, ठीक है। माध्यिका ज्ञात करना, सपोज दैट पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था उसी को देखते हैं। हमारे पास आंकड़े मान के चलो दिया है इस टाइप का 25, 21, 23, 20, 18, 22, 24, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है माध्यिका। देखो, मैं आप लोग को बता दूं, ये नंबर कुछ भी हो, 25 की जगह 50 रहे, 75 रहे, 80 रहे, 90 रहे, 100 रहे, कुछ भी रहे, आप लोग को काम सीखना है इस वीडियो के माध्यम से, है ना। मैं बता दिया इसको, आप लोग बोलोगे फिर आप जो बताए थे वो तो आया ही नहीं, ऐसा बोलोगे तो आप कभी भी किसी भी क्लास में नहीं कर पाओगे। आपको एक क्वेश्चन समझ करके 10 क्वेश्चन बनाने की ताकत होनी चाहिए, उतनी हिम्मत होनी चाहिए आप में भाई, है ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन इसमें दे दिया, इसका माध्यिका निकालना है ना। समांतर माध्य निकालना तो आ ही जाएगा, निकाल के भी देख लेना एक बार आप लोग इसका समांतर माध्य, वैसे मैं बता चुका हूँ, है ना। सबसे पहले जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को मीन्स क्या रहेगा, वहां पर सबसे पहले छोटा नंबर को लिखेंगे, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा करते जाएंगे, है ना। सबसे छोटा क्या इसमें 18, है ना। 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सभी को लिख लिए ना। हाँ, तो देखो ये तो हम लोग लिख लिए बढ़ते क्रम में, है ना। सबसे छोटा उससे बड़ा कर लिए। अब देखो यहाँ इसको काउंट करो, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ एन बराबर कितना बार है उसको गिन लो, कितने हैं इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर 7। और 7 क्या है, एक विषम है, तो यहाँ पर विषम लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग विषम के लिए देख रहे हैं, ये दूसरा इसका सम होगा, तब कैसे बनाएंगे उसको मैं इसके बाद जस्ट बताऊंगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहे, आपका नंबर आपको दिला के ही रहूंगा, है ना। ये तो हुआ विषम है, तब देखो माध्यिका का सूत्र बदल जाता है ना, दोनों के लिए अलग अलग रहता है, सम के लिए अलग विषम के अलग। अभी माध्यिका का सूत्र ऐसा है, तो एन इस तरीके से होगा, n+1/2 वां पद, ठीक है। अब एन का मान तो हम लोग को पता है, एन के मान 7 है, तो 7+1/2 वां पद, क्लियर है। 7 और 1 कितना होगा, 8/2 वां पद लिखेंगे इसको। फिर देखो यहां पर कटाऊंगा तो 2 1 कम 2 और 2 चौक 8 होता है, तो इसलिए चौथा पद होगा। अब यहां से देख लो चौथा पद कौन है, 1 2 3 4, ये चौथा पद ये है, तो 22, ठीक है। अतः माध्यिका 22 होगा, इस तरीके से करना। देखो बहुत ईजी है, 2 नंबर आप लोग का फिक्स यहीं से है ना। अब देख लेते हैं, अगर विषम आया तो मान के चलो इसी प्रश्न को सेम टू सेम बनाते हैं भाई, और बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते, है ना। कम टाइम में आपको अच्छी चीज समझना है। मान के चलो यहां पर मैं जोड़ देता हूं 26, तो देखो एक चेंज होने से क्या होता है उस चीज को समझो आप लोग, विषम रहेगा तब भी। अब यहां हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को और वही क्रम में, तो सेम टू सेम ऐसे ही होगा, है ना। देखो यहां पर 26 जोड़ देता हूं ताकि एक चीज एक अंक एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, चेंजेस होगा, यहां एन बराबर कितने हैं 8, जो कि क्या संख्या, एक सम संख्या, और सम रहता है तब माध्यिका का सूत्र हम लोग का चेंज हो जाता है ना। माध्यिका बराबर अब हो जाएगा n/2 वहां पद, ठीक, प्लस n/2+1 वहां पद, और पूरे की बटा में 2 होता है, क्लियर यहां तक, ठीक। अब देखो इसको, है ना, वैल्यू रखते चलिए भाई आप लोग, n/2, n की जगह कितना रखेंगे 8, तो 8/2 वहां पद होगा, क्लियर है। प्लस यहां पर 8/2+1 वहां पद, क्लियर है, और पूरे की बटा में 2 है तो 2 लिख लिए। अब देखो यहां पर फिर से ऐसे ही कटेगा, है ना, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो कितना होगा, चौथा पद होगा ये, चौथा पद प्लस, और ये जस्ट आगे होगा, इसका 4 होगा और एक आया है, तो ये पांचवा पद होगा, ठीक है। हमेशा ऐसी चीज होगा ये, याद रखना।
मतलब अगर ये 5 आएगा तो वो 6 आएगा, ये 6 आएगा तो वो 7 आएगा, जस्ट एक का ज्यादा होगा, है ना, बटा में 2 है तो 2। क्लियर यहां तक आप लोग को, है ना? नहीं आएगा समझ तो बता दीजिएगा भाई, ऐसी नहीं कि देख रहे हो देख रहे हो, नहीं आ रहा है तो कोई मतलब का नहीं है वीडियो देखने का, है ना। पांच चौथा पद कितना है, देखो इसी से ले उठा रहा हूँ, चौथा पद 22 है तो 22 प्लस पांचों पद कितना है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, पांचों पद 23 है ना, तो 23 पूरे की बटा में 2 है तो 2, दोनों को जोड़ दो, 22 2 44, 1 45/2 होगा, ठीक है। इसको भाग कर दो, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 2 4 एक बाकी है ना, तो वो पॉइंट डालने से 10 10 होगा, तो 2 5 10 मतलब 22.5 ये माध्यिका, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः माध्यिका 22.5 होगा, करें क्लियर है। तो 2 नंबर के आप लोग को इस तरीके से काम करना है भाई, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या 4 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे तो हैं। जैसे कि देखो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, ठीक है। निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात करो, इससे आप लोग को क्या सीखना है, क्वेश्चन में काम को सीखना है कि हम लोग को काम कैसे करना है ना। मतलब क्वेश्चन में नंबर कुछ भी रहे, हम लोग को काम क्या करना है और नंबर कैसे लेके आना है, इससे ये सीखना है ना। तो चलो देखो, ये क्वेश्चन दिया, वर्गांतर दिया हुआ, आवृत्ति दिया हुआ, उसके लिए हम लोग को हल करेंगे तो एक नया टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालने के लिए, संचयी आवृत्ति हेतु नया सारणी बनाएंगे। तो देखो यहां पर ऑलरेडी वर्गांतर को जैसे दिया वैसे लिख दिया, आवृत्ति जैसे दिया वैसे लिख दिया, अब हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा इसमें, संचयी आवृत्ति। हर एक टेबल में यही नामकरण करेंगे आप लोग भाई, ठीक है। तो देखो ये संचयी आवृत्ति निकालते कैसे, देखो इस 4 को तो जस के तस लिखेंगे, अब ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में, ये एस जोड़ के इसको यहां पर लिखेंगे, तो 6 और 4 10, फिर ये भी सिमिलरली ऐसे होगा, है ना, तो 10 और 10 20, फिर क्या आ जाएगा 10 20 होगा ये, ठीक है, 20 और 10 27, 27 और 3 30, 30 और 2 32, यहाँ पर देखो लास्ट में क्या आया 32 है ना। इसी चीज को समझो आप लोग, यहाँ है ना एन बराबर कितना आया 32, क्लियर है। अब देखो इसको कैसे करना है, हम लोग को इसका माध्यिका अंक निकालना पड़ेगा हर एक प्रश्न में, माध्यिका अंक, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है n/2, मतलब 32/2 होगा, और इसका आंसर कितना होगा 16 होगा, क्लियर यहां तक। अब देखो उस 16 को हम लोग को कहां पर ढूंढना है, इसमें संचयी बारंबारता में, मतलब 16 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है इसमें, उस चीज को देखो, कितना भी रहे उसका जस्ट बड़ा नंबर ढूंढेंगे आप लोग, है कितना है ये 20 है भाई, है ना, 16 के बाद जस्ट क्या है 20 है, ठीक है। लिखेंगे यहां पर माध्यिका अंक 16, संचयी आवृत्ति, देखो माध्यिका अंक 16 है वो कौन से, किसके संचयी आवृत्ति किसके अंतर्गत आएगा, 20 20 के अंतर्गत आता है ना, जिसका वर्गांतर वो, और ये 20 किस वर्गांतर में आता है, इस वाले में, है ना, इसको देखो, ठीक है, हर एक प्रश्न में यही लिखेंगे, जिसका वर्गांतर कितना है, वर्गांतर 20 से 30 है, क्लियर, इतना लिखना है हम लोग को हर एक प्रश्न। अब देखो हम लोग को निकालना क्या है, माध्यिका निकालना है ना, तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, माध्यिका आप लोग एक पेपर में सभी सूत्र को लिख लीजिए ताकि काम है, माध्यिका बराबर होता है L+(n/2 - CF)/F, और इसके गुणा में होता है H, इतनी चीजों का हम लोग को जरूरत है इसको हल करने के लिए, है ना। तो सभी वैल्यू को लिखे लिखो यहां पर, अतः देखो इतना जो काम किया उसके हिसाब से इसका सभी को वैल्यू को कैसे लिखा है, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग को, क्योंकि इसके छोड़ा बाकी क्वेश्चंस भी तो आप लोग को करना है ना, ठीक। एल का मान क्या होगा, देखो एल का मान किसको लेते हैं, इसमें जो निम्न वर्ग की आवृत्ति होती है ना वही एल का मान होता है, ठीक है। ये क्या होगा, एल यहां से निकलेगा, ठीक है, ये वाली से, तो एल का मान कितनी है 20, क्लियर। ये क्या होती है, एफ होता है, जो जस्ट सीधा वाला होता है वो एफ, और ये वाला सी एफ जस्ट ऊपर वाला, मैं नाम नहीं बोल रहा, समझो आप लोग किसको ले रहे, एल इसमें से निम्न वाला होगा, एफ सी एफ हुआ, क्लियर हो गया। क्या क्या निकाल लिए,
एफ कितना निकला है, एफ कितना है यहाँ पर 10, जस्ट सीधा वाला 10। सी एफ कितना है, ये जस्ट जो लिए हैं संचय अवयव उसके ऊपर वाला 10, वो भी है 10, है ना। अब क्या चाहिए हम लोग को, एच की जरूरत है। तो एच को कैसे निकालते, देखो इसको, एच बराबर, अब जिसमें इस वर्गांतर कितने का, अंतर कितने का है उसको देखो। तो इसमें हम लोग ऐसे घटाते तब पता चल जाएगा, 30 में 20 जाएगा तो एच बराबर हो जाएगा 10। क्लियर ही है, सभी वैल्यू आ गया, सभी वैल्यू किस में रख दो, आंसर आपके हाथ में। एल बराबर कितना है, 20 है, तो 20 प्लस एन बटा दो, मतलब एन बटा दो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16, डायरेक्ट लिखता हूँ 16। रीड सी एफ कितना दिया हुआ है, 10 है, तो 10 बटा में 10 और गुणा में भी 10 होगा, ठीक है, क्योंकि सभी वैल्यू 10 है। सब में काम यही करना है, एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेने आप लोग, है ना। 20 प्लस, देखो 16 में 10 जाएगा तो बाकी रहेगा 6 बटा 10 होगा, गुणा में कितना है 10, है ना। तो ये 10 और ये 10 कटेगा क्योंकि गुणा में है, तो 20 प्लस होगा 6, तो 26, यही क्या है आंसर है। लास्ट में लिखेंगे हम लोग अतः माध्यिका 26 होगा करके। क्लियर है आप लोग को, यदि आप लोग को इसके छोड़ किसी भी, अब ये तो हो गया है ना, जितना समझ आया नहीं आया कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे हिसाब से अगर देखेंगे ध्यान से तो आ जाएगा, है ना, और आप लोग का 4 नंबर आपको मिल जाएगा इसके में। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एक बेटर वे पे होती रहे, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, उसको अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे।